नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम लोग अपनी फुटेज को कलर करेक्ट करना सीखेंगे। दोस्तों, फाइनल कट प्रो एक्स में आप कई तरीके से कलर करेक्शन कर सकते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग कलर करेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको वो फुटेज सेलेक्ट करनी होगी जिसको आप कलर करेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी इस फुटेज को सेलेक्ट किया। इसके बाद आप इंस्पेक्टर में आएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शो द कलर इंस्पेक्टर का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहां पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहां पर से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, यहां पर से आप सैचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहां पर से आप एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजर की। दोस्तों, अगर आपको फुटेज का एक्सपोजर कम या ज़्यादा करना है, तो आप ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर से आप देख सकते हैं एक्सपोजर को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर और ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आप शेडोज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप मिड टोन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप हाईलाइट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मुझे शेडोज़ को बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊँगा? मैं इस पॉइंट पे माउस को ले जाके और उसको स्लाइड करूंगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, मेरा ये शैडो बढ़ चुका है। ऐसे ही अगर मैं शैडो को कम करना चाहता हूं, तो मैं इस तरीके से शैडो को कम भी कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर मुझे मिड टोन्स को बढ़ाना है, तो मैं यहां पर इस पॉइंट को ले जाके अपने माउस को ऊपर स्लाइड करूंगा, और अगर मुझे अपने मिड टोन्स को कम करना है, तो मैं उसको नीचे की तरफ ले आऊंगा। इसी तरीके से आप हाइलाइट्स को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है सैचुरेशन का। यहाँ पर भी आपको मास्टर मिलता है, आप मास्टर सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं, आप शेडो की सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे ही आप मिड टोन्स और हाइलाइट्स की भी सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मुझे मास्टर करना है, तो मैं इस पॉइंट में आके, आप देख सकते हैं मेरे कलर पॉप आउट हो चुके हैं। ऐसे ही अगर मुझे कलर्स को डिसैचुरेट करना है, तो मैं इसको नीचे ले आऊँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे कलर डिसैचुरेट हो रहे हैं। और अगर मैं पॉइंट को पूरा ही नीचे ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, मतलब मेरी फुटेज पूरी तरीके से डिसैचुरेट हो चुकी है। इसको वापस से यहाँ लाते हैं। ऐसे ही आप शेडोज़ बढ़ा सकते हैं सैचुरेशन शेडोज़ का, या फिर उसको डिसैचुरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मिड टोन्स और हाइलाइट्स को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है कलर। अगर आपको फुटेज का मास्टर कलर को चेंज करना है, तो आप इस वाले पॉइंट से मास्टर कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप शैडो या मिड टोन्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल फुटेज कैसा था, तो आप यहाँ पर से ये जो बॉक्स है चेकबॉक्स, इसको आप यहाँ पे इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका फुटेज पहले ऐसा था। इसको वापस से आप इनेबल करेंगे, तो कलर करेक्शन के बाद आपका फुटेज कुछ इस तरीके से हो गया है। ऐसे ही अगर आप कुछ जो आपने एडजस्टमेंट करी है, कलर एडजस्टमेंट या फिर सैचुरेशन या फिर एक्सपोजर, उसकी वैल्यू को रीसेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर से कलर को रीसेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर जो आपने सैचुरेशन में चेंजेस करे हैं, आप यहाँ से उनको रीसेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप एक्सपोजर को भी रीसेट कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर मैंने सपोज एक्सपोजर ऐसे कर रखा है, सैचुरेशन को भी थोड़ा कम कर देते हैं यहां से, कुछ इस तरीके का मेरा कलर बोर्ड वन में है। अब मैं इसमें एक और कलर बोर्ड डालना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे डालूंगा? या तो मैं यहां पर से क्लिक करके कलर बोर्ड को ऐड कर सकता हूं, या फिर मैं आप यहां पर इफेक्ट्स में देख रहे होंगे, इफेक्ट्स पैनल में, मैं यहां पर से भी कलर बोर्ड को लेके यहां पे ड्रैग कर सकता हूं। आप देखेंगे यहां पे कलर बोर्ड 2 आ चुका है इंस्पेक्टर में। अब मैं यहां पर से इसके कलर को चेंज कर सकता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मुझे अपना कलर बोर्ड 1 करना है, तो मैं यहां पर से इसमें भी चेंजेस कर सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं इसमें कितने भी कलर बोर्ड को ऐड कर सकता हूं। और अगर मुझे इसको डिलीट करना है, तो सिंपली मैं यहां पर इसको क्लिक करूंगा और डिलीट पे प्रेस कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे कलर बोर्ड 2 भी डिलीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके
यहाँ पर से इसको डिलीट कर दूंगा। दोस्तों अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कलर बोर्ड के बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्टर में, वो है कलर व्हील का। कलर व्हील क्या करता है आप देख सकते हैं, आप मास्टर में चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से शेडो चेंज कर सकते हैं, मिड टोन्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे क्या मिलता है, टेम्परेचर। आप यहाँ पर से अपने वीडियो का टेम्परेचर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको वार्म टोन देनी है तो आप यहाँ पर से बढ़ा सकते हैं कलर टेम्परेचर को, और ऐसे ही आपको अगर ब्लूइश टोन देनी है तो आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। ऐसे ही आप टिंट और ह्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है वो है कलर कर्व का। यहाँ पर से आप ल्यूमा रेड या ग्रीन या ब्लू को अपनी फुटेज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन आपको मिलता है वो है ह्यू और सैचुरेशन कर्व का। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फुटेज को कलर करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करके आप यहाँ पर से बैलेंस कलर को अगर क्लिक करेंगे तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका कलर करेक्शन हो जाता है। तो अगर आप मैन्युअली कलर करेक्ट करना नहीं चाहते हैं और आप ऑटो ही कलर करेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बैलेंस कलर में क्लिक करके भी अपने फुटेज को कलर करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया यही रहेगा कि आप मैन्युअली ही कलर करेक्शन करें। इसी तरीके से अगर आपको एक फुटेज से दूसरी फुटेज का कलर को मैच करना है तो आप यहाँ से मैच कलर के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इस फुटेज का कलर इस फुटेज के साथ मैच हो जाए, तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, या फिर अगर मैं चाहता हूँ बटरफ्लाई के साथ, तो आप देख सकते हैं मेरी ये जो प्रीव्यू स्क्रीन में है इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, और फिर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी फुटेज को दूसरी फुटेज के कलर के साथ मैच कर सकता हूँ। और जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है वो है हाइड कलर इंस्पेक्टर का। आप चाहे तो अगर आपका यहाँ पर से कलर इंस्पेक्टर खुला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कलर इंस्पेक्टर है, आप चाहे तो यहाँ पर से इसको क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। तो जब भी आप कलर करेक्ट करें तो आप इसको शो कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर इफेक्ट्स में आपको कलर करेक्शन के काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप यहां पर से अपने फुटेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सिंपली इफेक्ट को अपने फुटेज पे ड्रॉप कर देना है, और यहां पर जब आप ड्रॉप करेंगे तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट आपके इंस्पेक्टर में आ चुका है। यहां से आप अब इसके अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, साथ में आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप ब्रॉडकास्ट सेव करना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग करके अपने फुटेज में डाल सकते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे ये जो कलर कर्व्स वगैरह हमारे यहां पर थे इंस्पेक्टर में, कलर इंस्पेक्टर में वो सारी चीजें आपको ह्यू सैचुरेशन आप देख रहे हैं, कलर बोर्ड, कलर व्हील्स, कलर कर्व्स, वो सब आपको क्या है कि यहां पर कलर के इफेक्ट्स में भी मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास HDR टूल्स है, आप कस्टम लट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप सीपिया टोन देख रहे हैं तो आप अपने जो आपकी फुटेज है उसको सीपिया टोन भी दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास सपोज कोई ओल्ड फुटेज है आपको वो दिखानी है तो आप सीपिया टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही टिंट मिल जाता है आपको, आप टिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टिंट का कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाके, आप देख रहे हैं यहाँ पर टिंट का है, आप इसके अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्किन को प्रोटेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर चाहूँ तो मैं इन सारे इफ़ेक्ट्स को अगर मुझे डिलीट करना है, अगर मैं टिंट नहीं चाहता तो मैं टिंट को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दूंगा। ऐसे ही अगर मैं सीपिया कलर को नहीं चाहता हूँ तो मैं प्रेस करके इसको डिलीट कर दूंगा। मैं कलर व्हील्स को डिलीट कर सकता हूँ। तो अगर आपको कुछ इफेक्ट को डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कीजिए, जो भी आपको इफेक्ट नहीं चाहिए ये जो चेकबॉक्स है आप इसको अनचेक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो इफेक्ट आपके जो आपका मेन फुटेज है वहाँ पर नहीं दिखेगा, और ना जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तब भी वो आपकी फुटेज में वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने फुटेज को कलर करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ होती है कलर ग्रेडिंग, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।
अधिकतर लोगों का मानना है, मतलब ये लोग काफ़ी सोचते हैं जो जितने भी एमेच्योर लोग हैं, कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग एक ही चीज़ होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में डिफरेंस होता है। कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम एक डिफरेंट लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।